परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और आपकी उपस्थिति में आकर हृदय से आपको अपना आभार प्रकट करते हैं कि आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब मनुष्य जाति के लिए प्रकट होता है, ताकि हम प्रभु उस पर विश्वास करके उस जीवन को प्राप्त करें जिसके लिए प्रभु आपने उसको बलिदान किया है, और हम उस अनंत जीवन के वारिस बनाए जाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य हो और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा वैसी प्रकट हो जैसी वो चाहता है और उसके वचन में उसका वर्णन है। धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आकर अपने आप को समर्पित करके ये कहना चाहते हैं, प्रभु हम पर दया कीजिए और हमें अपने योग्य संतान बनाकर अपनी महिमा में प्रकट कीजिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। आपने देखा इन अध्ययनों के दौरान कि हमने ये चीज देखी कि तीन डिवाइन ऑफिसेस थे, यानी परमेश्वर के कार्य करने के तीन विभाग थे। पहला था भविष्यवक्ता, प्रॉफेट, दूसरा है महायाजक और तीसरा है राजा। इन तीनों रास्ते से परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित कर रहा है। हमने आपको बोला था ना, तीन तीन चीजें मिलकर काम कर रही हैं, और आज एक विश्वासी केवल केवल याजकीय रास्ते को देख रहा है कि प्रभु यहीं से काम करता ना। प्रभु तो राजा के द्वारा भी, याजक के द्वारा भी और भविष्यवक्ता के द्वारा कार्य करता था। अब आज हम आपके साथ इसी बात को और अच्छी तरीके से आप समझें कि एक और विषय है मसीहत में, अनॉइंटिंग, अभिषेक। इसको लेकर सबकी अपनी अपनी शिक्षा है, अपना अपना तर्क है और अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन इस विषय में बाइबल क्या सिखाती है और बाइबल क्या बताती है वो मान्य है। क्योंकि परमेश्वर की अगर आप बात करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं और आप ये कहते हैं मसीही विश्वासी हैं, तो आपकी किसी की भी शिक्षा वहां पर काम नहीं करेगी। वो केवल और केवल परमेश्वर की शिक्षा काम करेगी। परमेश्वर की शिक्षा अनॉइंटिंग के विषय में क्या कहती है, इसको आज हम पहले ध्यान करेंगे और देखेंगे कि वचन पुराने नियम में अभिषेक का मतलब क्या होता था और वो अभिषेक काम कैसे करता था। और आज नए नियम में देखिए, हमने एक चीज देखी है कि अध्ययन से हमने ये सीखा कि परमेश्वर जो पुराने नियम में पिता ने किया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नए नियम में वही कर रहा है। विधि वही है, बस तरीका फर्क है। वहां सब फिजिकल था, यहाँ सब स्पिरिचुअल है। वहां शारीरिक तौर पर जो किया जा रहा था, यहाँ सब पवित्र आत्मा के द्वारा किया जा रहा है नए नियम में, लेकिन है वही, आधार वही है। सबसे पहले देखिए, हम ऑफिस लेते हैं। तीन ऑफिसेस थे, प्रॉफिट, प्रीस्ट और किंग। यहां प्रीस्ट का मतलब हाई प्रीस्ट से है। हाई प्रीस्ट के जो बच्चे होते थे वो याजक का सेवा करते थे पिता के स्थान पर, क्योंकि महायाजक सेवा नहीं करता था, महायाजक के बच्चे करते थे जो उसके द्वारा उत्पन्न होते थे। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें अर्थ छिपा हुआ है नए नियम का। अब हम देखेंगे सबसे पहले द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसको अभिषेक काहे से किया जाता था, केवल तेल से अभिषेक किया जाता, ओनली ऑयल अनॉइंटिंग। और तेल किस चीज को दिखाता है, पवित्र आत्मा को, यानी भविष्यवक्ता को केवल पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करता था। फिर उसके बाद प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट और उसके बच्चों का एक साथ अभिषेक हुआ था पुराने नियम में। और इनका अभिषेक कैसे होता, हाई प्रीस्ट का अभिषेक होता है तीन तीन अनॉइंटिंग होती है, पानी, तेल और लहू। और पानी, तेल और लहू लेव्य व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय में निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये तीन अनॉइंटिंग महायाजक हारून
और उसके पुत्रों को एक साथ दी गई थी। अलग अलग नहीं होती थी कि महायाजक की अलग हो गई और याजक की अलग हो रही है। महायाजक और उसके पुत्र एक साथ अनॉइंट किए जाते थे और नए नियम में भी यही चीज ऐसे ही रखी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग अभिषेक के द्वारा तैयार किया है और मसीह का अभिषेक मसीह के साथ हमारा अभिषेक हो जाता है जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए अलग से कोई अनॉइंटिंग मसीह में है नहीं। वचन के अनुसार लोगों ने अपने अपने तरीके और नियम अलग अलग बना रखे हैं और वो शारीरिक नियम है। लेवी व्यवस्था 8:6 पढ़िए। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। किसने? मूसा क्या था? मूसा क्या था? डिवाइन ऑफिस में क्या था? डिवाइन ऑफिस में क्या था? हारून जो था वो महायाजक था और ये महायाजक के लिए उसका अभिषेक किया जा रहा उसके पुत्रों समेत। लेकिन मूसा क्या था? यानी महायाजक और याजक का एक साथ अभिषेक किया जाता था, ये बात तो स्पष्ट हो गई। अभिषेक करता कौन था? भविष्यवक्ता। मूसा क्या था? तो आप लोग वचन सुनते समय इतना कहां खो जाते हैं कि एकदम सरल आंसर था। मूसा की कॉलिंग क्या थी? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ही राजा का अभिषेक करता था और प्रॉफिट ही महायाजक का अभिषेक करता था। कौन बड़ा हुआ? प्रॉफिट। आज लोग महायाजक के पीछे और राजा के पीछे परेशान। और बड़ा कौन है? परमेश्वर हर तरफ इस्तेमाल किसको करता है? प्रॉफिट। यही हम सीखेंगे। अब आप देखिए अध्ययन में तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये तो परमेश्वर का आत्मा है। भविष्यवक्ता का मतलब जिसके जीवन से परमेश्वर का आत्मा काम करे। और वो एक साधारण व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको कैसे भविष्यवक्ता बनाया, कैसे अपने लायक बनाया, ये सीखने वाली चीज है। और ये पुराने नियम से ही हमको सीखने को मिलेगा। अब देखिए, उसने मूसा ने ये अधिकार मूसा ही को था कि उसने क्या किया, मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से देखिए किस किस को नहलाया था। हारून महायाजक और उसके पुत्रों को एक साथ हुआ था ना अभिषेक, अनॉइंटिंग एक साथ हुई थी। उसके बाद ये हारून का प्रीस्टूड चला आ रहा है, तो बार बार तो अनॉइंटिंग होती नहीं। यीशु मसीह की एक बार अनॉइंटिंग हुई महायाजक की और उसके साथ हम सबका अभिषेक हो गया कि नहीं? जो बॉर्न अगेन होता है वो मसीह में अभिषेक था। लेकिन बॉर्न अगेन होना अपने आप में एक दुर्लभ चीज है इस युग में। बहुत जल्दी कोई बॉर्न अगेन हो नहीं पाता है। पूरे दिल से और पूरी अपने आप को पूरी तरीके से संपूर्ण रीति से परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना ये दुर्लभ है। कल्पना आप कर सकते हैं और आपको वहम हो सकता है कि हमने कर दिया है, लेकिन बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में काम नहीं करेगी जी। अब इसी के बाद एक और पद पढ़ लीजिए, ये देखिए जल से नहलाया, वाटर बैप्टिज्म, ठीक है, ये जल का अभिषेक है। उसके बाद है 8:12 पढ़िए। और उसने किसने? मूसा ने अभिषेक के तेल में से कुछ आरून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। अब यहां पर देखिए उसके पुत्र नहीं आए, इसमें लिखा है फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर कटिबंध बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। अभिषेक किसके सर पे तेल डाला गया? अब उसके पुत्रों के सर पे तेल नहीं डाला गया। अब आप सीखिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा बॉडीली, तो सर कौन है मसीह की देह में? सर कौन है?
और हम उसका बदन है। तो जब सर पे डाला तो बदन पे आ गया कि नहीं आ गया, बहता हुआ? ये अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट है। मसीह का अभिषेक हमारे जीवन में अपने आप आता जब हम सर के साथ बदन जुड़ेगा, यानी जब हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्शन बन जाएगा तो वो अभिषेक हमारे जीवन में आ जाएगा। यहां पे सीखिए। उसके बाद इसका 23 पद पढ़िए, 8 अध्याय का 23 पद। तब वो बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। यह है लहू के द्वारा शुद्धिकरण या अनॉइंटिंग, ब्लड अनॉइंटिंग। लेकिन यहां पर आप देखिए कि एक मेड़े को, 22 पद में लिखा है, मेड़े को उसने एक मेड़ा का मतलब होता है भेड़ का बच्चा, रैम बोलते हैं इंग्लिश में, वो मेमना कह लीजिए, मेमने को बलि किया और उसका लहू हारून के लगाया, दाहिने साइड में लगाया। हमारा मेमना कौन है? और उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो ये ब्लड अनॉइंटिंग है कि नहीं है? इसके बिना हम मसीही नहीं हो सकते। अब आपने देखा ये तीन अभिषेक वहां पे जो लेवे व्यवस्था में किए जा रहे हैं, ये तीनों अभिषेक यीशु मसीह ने, क्योंकि वो हमारा राजा भी है और महायाजक भी है, और उसने भविष्यवक्ता वाले पार्ट को तो पहले ही पूरा कर दिया था, हालांकि वो भविष्यवक्ता से ऊपर था। ठीक, ये तीनों ऑफिसेस उसने फुलफिल कर दिए। अब इसको आप देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 15 पद। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को, यहाँ पे यीशु मसीह कहाँ की लॉ की बात कर रहा था, लेव व्यवस्था की बात कर रहा था, कि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना, क्योंकि महायाजक के 3 अभिषेक होने चाहिए थे। और इसके बाद तब उसने उसकी बात यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह की बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया। ये था पानी का अभिषेक, जल का अभिषेक। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। बस ये देखिए, पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा हो गया, यानी अनॉइंटिंग हो गई। बपतिस्मे का मतलब होता है अनॉइंटिंग। इसके बाद एक ही तो बचा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 28 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 28 पद। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो यीशु मसीह ने जो मृत्यु का बपतिस्मा लिया था, वो हमारे पापों की क्षमा के लिए उस लहू को बहाया था, जिस लहू के अभिषेक से हम शुद्ध किए जाते हैं। तो आप देखिए, हमारे महायाजक ने तीनों बपतिस्मे ले लिए। जब बॉर्न अगेन हम होते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र कैसे बन जाते हैं? क्योंकि हमारा महायाजक परमेश्वर का पुत्र है, तो हम उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र बनते हैं। तो हम राजपदधारी याजक में आ गए कि नहीं आ गए? जैसा हमने कल पढ़ा था कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, क्योंकि हमारा महायाजक राजा भी है और याजक भी है महायाजक, तो हम राजपदधारी याजक बन गए कि नहीं बन गए? तो हम जैसे वहां पर महायाजक के बच्चे लोगों के लिए सेवा करते थे, परमेश्वर तक उनकी पहुंच नहीं थी, तो उनकी जगह वो प्रार्थना करते थे, वहां पे बलिदान विधि थी। अब हमारा बलिदान तो सिद्ध बलिदान है ना, तो हमको बलिदान तो नहीं चढ़ाना, बल्कि हमें अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित करना, ये भी बलिदान है, ये जीवित बलिदान है। और हमें दूसरों को परमेश्वर तक पहुंचाने का काम करना है, ये राजपदधारी याजकों का काम है।
और हम इस लायक तभी बनेंगे जब पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होकर और हमारा संपूर्ण यानी हमारा देह प्राण आत्मा परमेश्वर के लिए पूरी समर्पित होगी तब। अब हम देखेंगे कि ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसकी शुरुआत में हम लोग शुरुआत से देख रहे हैं, क्योंकि आदम भी भविष्यवक्ता था, प्रॉफिट था, उसके बाद जितने भी लोग हैं बाइबल में, अब्राहम भी प्रॉफिट था, लेकिन हम प्रॉफिट के ऑफिस को सीखने और समझने के लिए कि इस ऑफिस से परमेश्वर काम कैसे करता है व्यवस्थित ढंग से। भविष्यवक्ता का काम केवल भविष्यवाणी करना नहीं है, भविष्यवक्ता के बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। भविष्यवक्ता को चुनता कौन है? डायरेक्ट परमेश्वर चुनता है, कोई संस्था नहीं, कोई याजक नहीं, कोई महायाजक नहीं, कोई राजा नहीं, कोई नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर चुनता है। इसका मतलब इसीलिए यह हाईएस्ट प्रॉफिट है, यह हाईएस्ट ऑफिस है, क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्ट परमेश्वर चुनता है। ठीक, ये पहले पुराने नियम का बता रहे हैं, नए नियम में जो मसीह में आ गया संपूर्ण रीति से तो वो भी प्रॉफिट है, लेकिन हम डिफरेंस बताएंगे कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता और नए नियम के भविष्यवक्ताओं का अंतर भी क्या है, वो भी हमें सीखना है। अब ये डायरेक्ट व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 18 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान यानी मूसा से कह रहा, तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कह सुनाएगा। यानी भविष्यवक्ता का काम क्या है? चुना तो परमेश्वर ने, काहे के लिए चुना? परमेश्वर कह रहा है उसके मुंह में मैं अपने वचन डालूंगा और जिस जिस बात की मैं आज्ञा दूंगा वही वही वो बोलेगा और करेगा। इसका मतलब जो भविष्यवक्ता है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। कर सकता है? सच्चे भविष्यवक्ता को पहचानने का तरीका देखिए, जो अब आपको अगर परमेश्वर के वचन से आप वाकिफ होंगे, बाइबिल है परमेश्वर का वचन संपूर्ण, अब आप बाइबिल से अगर परिचित होंगे अच्छी तरीके से, तो जैसे ही कोई बोल रहा होगा और कहेगा मैं भविष्यवक्ता हूं और ये तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि ये वचन के आधार पर नहीं बोल रहा। परमेश्वर उनके अंदर वचन डाले। पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने शिष्यों से? वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक का मतलब ये नहीं है कि जो आपके मन में आए बोल दो या अपना एजेंडा चलाओ। पवित्र आत्मा अपना एजेंडा चलाने वालों के जीवन में काम वहां से काम करेगा ही नहीं। पवित्र आत्मा अपने लिए एक व्यक्ति को जिसे परमेश्वर चुनता है उसे परमेश्वर अलग कर लेता है। अलग करने का मतलब पवित्र कर लेता है, और इसी को कहते हैं होली। होली का मतलब है सेपरेटेड, और उसको अपनी आत्मा के अभिषेक में इस्तेमाल करता है। इसी को प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, वो परमेश्वर की मर्जी को लेकर सेवकाई करता है, इसी को प्रॉफिट बोलते हैं। और यहां पे इसी का एक और पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा 15 पद, 18 अध्याय का 15 पद, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। यानी परमेश्वर लोगों से ये चाहता है, ये व्यवस्था में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के भविष्यवक्ता की बातों को सुनना और वही मानना। ये क्यों नहीं लिखा है कि याजक की सुनना? कोई प्रश्न आपके पास, कोई जवाब है इसका? लोग आज किसकी सुन रहे हैं और सुननी किसकी है? परमेश्वर के भविष्यवक्ता की, ट्रू प्रॉफिट की बात कर रहा है। अब ट्रू प्रॉफिट पहचानेंगे तभी तो सुन पाएंगे। ठीक, अब इसके बाद
ये भविष्य वक्ता का अभिषेक भी, अभिषेक कौन करता था? क्योंकि भविष्य वक्ता के द्वारा परमेश्वर महायाजक का, याजकों का और राजाओं का अभिषेक करता था, लेकिन भविष्य वक्ता का अभिषेक कौन करता था? गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर स्वयं करता था। तो हाई कॉलिंग है, भविष्य वक्ता की कॉलिंग हाई कॉलिंग है। और भविष्य वक्ता जो है वो टीचर भी होता था, शिक्षक होता था, और वो शिक्षक के रूप में काम करता था, लेकिन होता वो भविष्य वक्ता था। ये इसीलिए वो स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स चलते थे पुराने नियम में। और आपने देखा होगा कि एलिया और एलिशा की कहानी में भविष्य वक्ताओं के चेले आते हैं, वो स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स के चेले थे, और वो भविष्य वक्ताओं की के चेले हुआ करते थे जो उनके साथ रहते थे, और भविष्य वक्ता भविष्यवाणियों के उनके जीवन में वो अभिषेक काम करने लगता था। जैसे महायाजक के बच्चे जब महायाजक के अंतर्गत काम करते हैं तो महायाजक का अभिषेक उन पर होता है, और ऐसे ही भविष्य वक्ता के चेले होते थे और वो चेले उसके तहत मातहत काम करते थे उसके अंडर में, और वो उनका अभिषेक उस पर आता था। इसमें आप देखिए एलिया पर किसका अभिषेक आया था, एलिशा के ऊपर किसका अभिषेक आएगा, एलिया का चेला था एलिशा, उसके ऊपर एलिया का दूना अभिषेक आया था कि नहीं आया था? क्यों यीशु मसीह ने गुरु चेला पद्धति को शुरू किया नए नियम? आज के युग में ये संभव है नहीं, चेला कोई बनना मांगता नहीं, सब गुरु हैं, बनते नहीं हैं, सब गुरु बन गए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को गुरु नहीं छोड़ा, वो महागुरु है। अगर कोई अपने आप को गुरु समझता है ना, धोखा खा जाएगा, क्योंकि वो महागुरु है। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला। आज लोग क्या बना रहे हैं? गुरु। नहीं, आज लोग क्या बना रहे हैं मालूम है? मेंबर। अब काहे का संस्था का मेंबर बना रहे, अपनी मंडली का मेंबर बना रहे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसका हाई, उसकी जो कॉलिंग थी जिसके लिए उसने बुलाया है अपने चेलों को, और उसने चेलों के द्वारा चेलों को बुलाया। तो यीशु मसीह के चेलों के भी चेले थे और उनके भी चेले थे। ये सब चेलों की सीरीज चल रही मसीह में। कोई गुरु नहीं, एक ही गुरु है, गुरु हमारा है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए उसने कहा था तुम किसी को पृथ्वी पर गुरु मत कहना, गुरु केवल एक है और वह है प्रभु यीशु मसीह। तो एक ही गुरु के चेले रहना। इसके अब देखेंगे कि इसको इसका अभिषेक कौन करता था और इन्हें नियुक्त कौन करता था भविष्यवक्ताओं को। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय का 12 से 16 पद पढ़ेंगे, 12 से 16 पद। तब वे अब जा, नहीं 4 अध्याय, निर्गमन 4 अध्याय और 12 पद, नहीं 4 अध्याय का 12 पद है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। ये मूसा से कहा था परमेश्वर ने, भविष्य वक्ता को परमेश्वर ज्ञान से भरकर नहीं भेजता, भविष्य वक्ता को परमेश्वर अपना अभिषेक के अंतर्गत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भेजता है कि जा और जो तुझे कहना होगा, मैं तेरे मुख के संग रहूंगा और तुझे उन चीजों को सिखाता जाऊंगा। तो भविष्य वक्ता परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, और अगुवाई में आज्ञाकारी अगर बना रहता है तो वो सीखता जाता है। एक मिनट, वो सीखता जाता है। तो पवित्र आत्मा ही तो बताएगा कब कहां क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कब क्या करना है के नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, सिखाएगा कौन? पवित्र आत्मा। तो भविष्य वक्ता कोई ट्रेंड पर्सन नहीं होता था। सीखिए, भविष्य वक्ता कोई ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति नहीं होता था। वो किसी भविष्य वक्ता का अगर चेला है तो वो ये सीख जाता था कि प्रभु के ताबे रहना है बस, और आज्ञा माननी है। जैसे मेरा गुरु आज्ञा मांगता है, मैं गुरु की आज्ञा मान रहा हूं, तो मैं गुरु के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा मान रहा हूं। तो परमेश्वर
उन्हें आज्ञाकारी बनाता था। इसके बाद देखिए कि सिखलाता जाऊंगा, उसने कहा हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का, उसने कहा क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है। एक्चुअली मूसा का ये कहना था कि प्रभु मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, मैं बातचीत नहीं कर पाता हूँ, मैं यानी हम पब्लिक में खड़े होकर मैं लोगों के साथ बोलने की कला मुझे नहीं आती, मैं लोगों को से बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है, मास कम्युनिकेशन मुझे नहीं आता। ये उसकी प्रॉब्लम थी, ये उसकी मूसा की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है। लोग समझ तो जाते हैं लेकिन उस चीज को समझा नहीं पाते हैं कि ये क्या है। तो मूसा के साथ ये प्रॉब्लम थी, तो परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? उसने कहा देख तेरा भाई आ रहा है, वो बड़ा भाई था, और कहने लगा वो बोलने में निपुण है, यानी वो बोल लेता है, लीडरशिप है उसमें, लीडरशिप बोलने से होती है, ठीक है, वो बोलने निपुण है, और वो तुझसे भेंट करने के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उसे ये बातें, यानी कौन सी बातें, जो पवित्र आत्मा तुमसे बोले वो तुम डायरेक्ट पब्लिक को मत बोलना, उसको तुम हारून को सिखा देना, वो बोल लेगा, ठीक। अब यहां पे थोड़ा सा मामला बिगड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा, हमने आप लोगों को बोला, और हम इतने सालों से ये अनुभव कर रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है और हम आपको बोल रहे हैं, तो आप में से कोई व्यक्ति उस चीज को आगे वैसे ही नहीं बढ़ा पा रहा है, वो आप में आके कंफ्यूजन बन जा रही है। तो परमेश्वर की बातें आपके अंदर तो जा रही है लेकिन आपके अंदर से वो वैसे ही नहीं निकल पा रही, ना आपके जीवन से वैसी प्रकट हो रही। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार नहीं है। आपको तैयार हो जाना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मसीह के द्वारा अपना बेटा और बेटी बनाया है, तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के समान क्यों नहीं व्यवहार कर रहे हैं, अब क्यों उसके परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के अनुसार जीवन क्यों नहीं व्यतीत कर रहे हैं? ये आपका न्याय हो रहा है। अगर आप अभी भी मौका है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के बच्चों को कैसा होना चाहिए, उसके बेटे बेटी को कैसा होना चाहिए, वैसा हमको हो जाना है। अब देखिए यहां पर लिखा है इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा सिखाता, फिर परमेश्वर कह रहा मैं तुम दोनों को सिखाता जाऊंगा। जैसे कलीसिया में वो हम लोग को सेवक को भी सिखाता है और लोगों को भी सिखाता है, तो एक्चुअल में काम कौन कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा, ठीक है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, और वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर है। देखिए यहां पे एक दृष्टांत आ गया, परमेश्वर ने मूसा को हारून के लिए, हारून बड़ा भाई था कि छोटा भाई? बड़ा भाई था। परमेश्वर में बड़ा और छोटा कैसे होता? उम्र के हिसाब से नहीं होता है। परमेश्वर के यहां बड़ा और छोटा अभिषेक के अनुसार होता है, कॉलिंग के आधार पे होता है। हो सकता है कि हम बहुत से लोगों से उम्र में छोटे हों, ठीक, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिस बुलाहट से बुलाया है उसकी बुलाहट में अगर हम हैं तो हम परमेश्वर के उस ऑफिस में हैं, तो आपको उस ऑफिस का आदर तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस काम के लिए नियुक्त किया है, तो आपको परमेश्वर की आत्मा का आदर करना चाहिए कि नहीं? तो पवित्र आत्मा का आदर करके लोगों को समर्पित हो जाना चाहिए। अब यहां पे देखिए मैं उन तुम दोनों को सिखाता जाऊंगा, तो परमेश्वर दोनों का, मूसा को उसने बना दिया परमेश्वर के तुल्य और उसके बड़े भाई हारून को बना दिया मूसा का मुंह। भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का मुख, यानी परमेश्वर की ओर से बोलने वाला, परमेश्वर खुद नहीं उतर के आएगा। क्योंकि परमेश्वर अगर आपके बीच में और हमारे बीच में खुद उतर के आया और उसने खुद बोला, तो ये आप बाइबल में जाके देख लीजिए कि वो लोग
बहुत बुरी तरीके से डर गए थे, उन्होंने कहा था परमेश्वर हमसे बातें ना करे, तू ही हमसे बातें किया कर। तो परमेश्वर की डायरेक्ट वाणी तो आपके आप लोगों को झेल कोई नहीं सकता, हम और आप कोई नहीं। तो परमेश्वर काम कैसे करता, भविष्यवक्ता के द्वारा काम करता है, बातें करता है। अब एक और पद निकालेंगे, निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय उसका 1-7 पद। निर्गमन 7 अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा, देखिए तुझे मैं फिरौन के लिए, फिरौन राजा था, फिरौन के लिए मैं कैसा ठहरा रहा हूँ, परमेश्वर सा। तो मूसा को उसने परमेश्वर के तुल्य राजा के लिए सामने भी ठहरा दिया कि राजा के सामने तू मेरा परमेश्वर का स्वरूप होगा और तेरा भाई हारून तेरा भविष्यवक्ता होगा। यानी राजा से कौन बात करेगा, हारून, और हारून से कौन बात करेगा, मूसा। इसका मतलब हारून जो है वो यहां पर मीडिएटर में आ गया, मध्यस्थ में आ गया परमेश्वर और राजा के बीच में। लेकिन परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ने अपनी जगह मूसा को खड़ा कर दिया और कहा है राजा से बात करनी है। मूसा डायरेक्ट नहीं कर रहा, मूसा जैसे परमेश्वर किसी से डायरेक्ट बात नहीं करता, सीखने वाली चीज है, परमेश्वर कभी किसी से डायरेक्ट नहीं बात करता। परमेश्वर की बातें जो समझता है परमेश्वर उसी से बात करता है और उसके द्वारा वो दूसरे को संपर्क करता है। तो आप बताइए कि मसीही लोगों को परमेश्वर ने अपने पुत्र में, मसीह में क्यों चुना है, ताकि संसार के लोगों से जाकर उनके साथ सही व्यवहार करो और परमेश्वर के बारे में उनको परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ्य का वो आपके जीवन में दर्शन पाएं, देखें कि हाँ ये है, और उनको इन सब बातों में आपके द्वारा अगुवाई मिले। पवित्र आत्मा आपके द्वारा अगुवाई करना मांगता है, उनकी काम करना मांगता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। भविष्यवक्ता के लिए एक हार्ड लाइन है, परमेश्वर ने कहा था जो जो मैं बोलूं एग्जैक्टली वही तुम बोलना, उसमें मिलावट अगर तुमने कर दी तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। ठीक, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जो मैं तुझसे कहूंगा वही तुम फिरौन हारून से कहना और वही हारून फिरौन से कहेगा। अब ये यहां पे आप घर में पढ़ के देखिएगा कि परमेश्वर कैसे मनुष्यों को जो अयोग्य थे, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, इनको कैसे इस्तेमाल करके और कैसे काम कर सकता है। जब उस जमाने में कर सकता है तो क्या आज नहीं कर सकता है। अब एक और पद देखेंगे, ये बताइए कि एक भविष्यवक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इस बात का प्रमाण बाइबल में पाया जाता है और नए नियम में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके पहले अध्याय के 18 पद में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र ने उसको संसार में प्रकट किया। अगर हम ये बात मान लेते हैं कि ये सत्य है, क्योंकि नए नियम में सारा सत्य कंप्लीट है, तो मूसा से जब परमेश्वर बात करता था तो मूसा को ये कैसे पता चला कि ये परमेश्वर की आवाज है। हाउ ही रिकग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड, उसने परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाना। और क्योंकि परमेश्वर की आवाज पहचानना एक बात है और परमेश्वर की आवाज को पहचान कर उस पर विश्वास करना दूसरी बात है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज पहचान लेता है और उसकी आवाज पहचान कर उस पर विश्वास कर लेता है वो परमेश्वर का मित्र बन जाता था। He is a friend of God। अब्राहम के लिए लिखा है कि वो परमेश्वर का मित्र था और मूसा के लिए भी लिखा है कि वो परमेश्वर का मित्र था। ये मित्र बने कैसे, आवाज कैसे पहचानी, उस जमाने में तो टफ था, यीशु मसीह था नहीं तो आवाज कैसे पहचानी। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पुराने जमाने के लोगों के पास और भी लिटरेचर हैं और वो कहते हैं ये परमेश्वर की वाणी है, लेकिन वो कौन सा परमेश्वर है जिनकी वाणी उनकी तरफ से लिखी गई है और हमारी बाइबल में भी परमेश्वर की वाणी है, तो इस वाणी और उस वाणी में अंतर क्या है।
परमेश्वर में अंतर है तभी तो वाणी में अंतर है। तो परमेश्वर की आवाज को पहचानना, जो ट्रू प्रॉफिट होते थे वो परमेश्वर की आवाज को पहचानते थे, और ट्रू प्रॉफिट होते थे जो परमेश्वर की आवाज को पहचान कर उसकी आज्ञा मानते थे, क्योंकि विश्वास करते थे ये परमेश्वर की आवाज है, इसीलिए उसको ओबीडियंस करते थे, यानी तुरंत उसको कर देते थे। अब इसको हम लोग देखेंगे, मेरे साथ निकालिए पहला सैमुएल तीन अध्याय और उसके पहला सैमुएल तीन अध्याय और उसका 1-11 पद तक पढ़ेंगे। वो बालक शैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। और ये एली कौन था? महायाजक जी। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। हाँ, और दर्शन कम मिलते थे। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी, और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और सैमुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उस देखिए आवाज को पहचानना, रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड। सैमुएल बच्चा था और उसने उस आवाज को सुना लेकिन पहचाना नहीं, लेकिन एक अच्छी चीज थी, उसने रिस्पॉन्ड किया, क्या आज्ञा जी। तब उसने एली के पास दौड़कर गया और कहा, क्या आज्ञा? किसको? ये किसकी आवाज समझ रहा था? महायाजक की आवाज समझ रहा था। ठीक, अब देखिए आपको और बहुत सीखने की जरूरत है परमेश्वर की आवाज पहचानना जी। तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेटा रहे। तो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे सैमुएल, उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। उस समय तक सैमुएल यहोवा को नहीं पहचानता था, अर्थात यहोवा की आवाज को नहीं पहचानता था जी, लेकिन रिस्पॉन्ड लगातार कर रहा था। और ये यहोवा है कौन? आज तो सामने प्रकट हो गया ना, आज लोग नहीं सुन रहे उसकी, लेकिन उस जमाने के लोग कितने अच्छे थे, वो पहचानते नहीं थे लेकिन सुनते थे। आज के लोग पहचान कर भी नहीं। सही। अब देखिए, और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शैमुएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा पुकार रहा है जी। इसलिए एली ने शैमुएल से कहा, जा लेट रहे और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आपको परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करना है। जब परमेश्वर पुकारे तो सेवक को रिस्पॉन्ड ना करें, परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करें। ये सीखा उसने। चेला बनना क्यों जरूरी है? जब तक चेला नहीं बनेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। अब इसके बाद तब सैमुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया, और इसके बाद घर में पढ़िएगा कि परमेश्वर ने उससे बातें की, और क्या बात की थी ये आगे का विषय है, इसलिए इसको अभी नहीं पढ़ेंगे।
अब इसके बाद देखते हैं कि उस परमेश्वर की आवाज के प्रति आज्ञाकारी होना बहुत आवश्यक है। ये जो भविष्यवक्ता थे इनके लिए बहुत जरूरी था। अब यहां पे देखिए पहला सैमुएल का 16 अध्याय और उसके बाद उसका 6 पद से पढ़ेंगे। पहला सैमुएल जब वो आया तब उसने एलिया पर दृष्टि। अब देखिए ये सैमुएल बड़ा हो गया है, ये नबी हो गया, बहुत बड़ा नबी बना था, बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये। और जब इसका ये इसने किस किस राजा का अभिषेक किया, इसने शाऊल का भी अभिषेक किया, इसने दाऊद का भी अभिषेक किया। इतना बड़ा राजा है, इतने बड़े बड़े राजाओं का अभिषेक करने वाला भविष्यवक्ता कितना बड़ा होगा, ठीक उन राजाओं से बड़ा है कि नहीं है। तो अब देखिए ये इसमें पहला सैमुएल 16 अध्याय के 6 पद से हम पढ़ रहे हैं ना, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, किसने, भविष्यवक्ता ने, परमेश्वर ने इसको एक राजा के अभिषेक करने के लिए भेजा था, लेकिन जिस घर में भेजा था, जिस परिवार में भेजा था, उनके 8 बच्चे थे, 8 लड़के। जब पहला लड़का आया तो सैमुएल क्या सोच रहा है, यही है, है ना, सोचा निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, उसी समय भविष्यवक्ता को परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन में बात करता है। जब हम खड़े होकर बोलते हैं ना तो परमेश्वर के अब आवाज यहां आती है और यहां से हम बोलते जाते हैं। इस हिस्से को परमेश्वर नहीं, यहां पे हार्ट से बोलता है, हार्ट में परमेश्वर की आत्मा की आवाज होती है, वो मुख से निकलती है। मनुष्य के मन में जो कुछ होगा वही उसके मुख से निकलेगा, ये प्रिंसिपल है ना, यीशु मसीह ने यही कहा था। तो जब तक परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन यहां नहीं होगा मन में, तब तक मुख से निकलेगा कैसे। तो यहां से परमेश्वर का आत्मा काम करता है। अब उसने उसको आवाज आई पवित्र आत्मा की, ना ये नहीं है। अब देखिए पवित्र आत्मा उसको कैसे सिखा रहा मन में, आगे पढ़िए। परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, इसका मतलब उसके माइंड में क्या असेसमेंट चल रहा था जिसके कारण उसने कहा यही होगा अभिषेक। वो असेसमेंट ये था, उस परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर की आत्मा ने, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर सैमुएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सैमुएल के सामने भेजा और सैमुएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब सैमुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? अब उसने इंफॉर्मेशन, क्योंकि 7 थे, 7 हो गए, प्रभु किसको चुना, यहां तो 7 पूरे हो गए, गिनती पूरी हो गई। हाँ, वो बोला नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सैमुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। इसका मतलब अभिषेक राजा किसको बनाना है, ये लोग बताएंगे भविष्यवक्ता को, या परमेश्वर की ओर से बोला जाएगा, भविष्यवक्ता वो सुने। तो इसका मतलब एक प्रिंसिपल सीख लीजिए, जब परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक में जब कोई व्यक्ति होता है और बोलता है, उसको लोग सिखाने की कोशिश करते हैं और यही गलती है। उसकी सुनो और उसकी आज्ञा मानो, इतना करना है। आज के लोग क्या करते हैं, आज के लोग प्रॉफिट को कंट्रोल करते हैं,
आज के लोग किंग को कंट्रोल कर रहे हैं और आज के लोग महायाजक को कंट्रोल करने लगे। इस टाइप की पीढ़ी है। अब देखिए यहां पे हम लोगों को और भी चीजें सीखने को मिलती हैं। प्रॉफेट अनॉइंट प्रीस्ट एंड किंग, ये जो भविष्यवक्ता होता था, भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर याजकों का अभिषेक करता था, अभी देखा आपने, और इसी के द्वारा राजा का अभिषेक करता, अभी देखा आपने, उसने उनका अभिषेक किया उसका। लेकिन एक और चीज है, परमेश्वर को जब किसी भविष्यवक्ता को करेक्ट करना होता था, वो गलती कर रहा है, तो भविष्यवक्ता को नहीं, भविष्यवक्ता नहीं, महायाजक को अगर करेक्ट करना, महायाजक गलत कर रहा है या उसके प्रीस्टहुड में गलत हो रहा है, उसको करेक्ट कौन करेगा? क्योंकि महायाजक से ऊपर कोई भी पब्लिक में नहीं है, उसको कौन करेक्ट करेगा? ना परमेश्वर डायरेक्ट नहीं करता, हमने आपको पहले बताया, परमेश्वर व्यक्ति है, आप प्रॉफिट भविष्यवक्ता के द्वारा करता है। अब आ जाइए, जो छोड़ा था उसको पकड़ लेते हैं। आप निकाल लीजिए पहला सैमुएल तीन अध्याय का 12 पद से पढ़िए, नहीं बल्कि 11 पद से। यहोवा ने सैमुएल से कहा, सुन, मैं इसराइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। हाँ, उस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। और इसके बाद आप देखिए कि इसके 13 पद पढ़िए, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। महायाजक के बच्चे क्या होते थे? नहीं, याजक प्रीस्ट काम करते थे ना, और एली के बच्चे प्रीस्ट का काम करते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो कैसे थे? बहुत करप्ट कुकर्मी बच्चे थे। वो प्रीस्ट ऑफिस में होकर भी महायाजक के ऑफिस के अंतर्गत काम करते थे और उसके साथ साथ कुकर्म भी करते थे, और इस बात को कोई बाहर, तंबू के बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जानता था, लेकिन उस परमेश्वर का आत्मा वहां पे निवास करता था और परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी, ये भूल गए थे वो लोग, और परमेश्वर का आत्मा इन चीजों को देखता था उनको करेक्ट करने के लिए। इसको सैमुएल को परमेश्वर नबी बना रहा था। अब परमेश्वर से जब ये कनेक्ट हो गया, उसकी आवाज पहचान गया, उसकी आवाज सुनने लगा, तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि मैं ये करने जा रहा हूं। और ये इतनी भयानक बात थी कि वो बच्चा था और महायाजक कितना बड़ा व्यक्ति था। आप देखिए, इतने बड़े व्यक्ति को ये बच्चा ये सच्चाई बता भी नहीं सकता। अब इसके नीचे आ जाइए, 17 पद से पढ़िए। तब सवेरे, देखिए सवेरे, रात में कुछ नहीं हुआ, रात में ये बात हुई, परमेश्वर की ने उसको सैमुएल को बताया। तब सवेरे महायाजक एली ने उससे पूछा, वो कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है, उसे मुझसे ना छिपा, जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब सैमुएल ने उसको रत्ती रत्ती बात कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वो बोला, वो तो यहोवा है, जो कुछ वो भला जाने वही करे। और इसके बाद आप पढ़ेंगे तो लिखा है, सैमुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी, और दान से लेकर बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इसराइलियों ने जान लिया कि सैमुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और इसके बाद 21 पद, और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में सैमुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा प्रकट किया था। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा।
लेकिन परमेश्वर की आवाज को पहचाना और आज्ञा मानी और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। क्या आज के लोग नहीं कर सकते हैं? नहीं, आज्ञा माननी पड़ेगी, परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा। और देखिए, वो हाई प्रीस्ट को कौन करेक्ट करता? परमेश्वर किसके द्वारा? भविष्य वक्ताओं के द्वारा। और राजा को करेक्ट करना हो तो तब भी प्रॉफिट। इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा सैमुएल और उसका 7 अध्याय, दूसरा सैमुएल 7 अध्याय, दूसरा सैमुएल 7 अध्याय मिला, 7 अध्याय और उसका 7 अध्याय का 1-5 पद। देखिए, ये दाऊद राजा है। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। अब आप ये एक मिनट, अब यहाँ पे ये बताइए, दाऊद बादशाह जिसे परमेश्वर ने कहा था ये मेरा दिल पसंद शख्स है, दाऊद ने अपने मन में ये विचार किया और एक भविष्यवक्ता से इस विचार को शेयर किया। उस भविष्यवक्ता ने उससे कहा, अरे जो कुछ तेरे मन में कर, परमेश्वर तेरे साथ है, यानी तुम कर सकते हो, ये अनुमति दे रहा, अप्रूवल दे रहा। लेकिन मालूम है इसका मतलब, ये बात भविष्यवक्ता ने अपने मन की बोल दी। भविष्यवक्ता को अपने मन की बात बोलने की अनुमति नहीं होती। इसलिए आप देखिए इसके 4th पद को पढ़िए, उसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा कि तूने कैसे कह दिया, मुझसे पूछा। भविष्यवक्ता अपनी ओर से कुछ नहीं बोल सकता था, आज भी नहीं बोल सकता है, परमेश्वर की बात बोलनी है उसको। और अगर उसने अपने मन की बात बोली तो परमेश्वर का आत्मा उसको कंडेम करेगा ना। और मालूम इसका नतीजा क्या हुआ? थोड़ा और नीचे आ जाइए, 8वां पद पढ़िए, इसलिए अब तो मेरे दास दाऊद से अब जाकर उससे ये कह, जी सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। हाँ, और इसके बाद परमेश्वर उसको ये बोल रहा है कि ये सब जाके बोलो, और उसके बाद उससे कहने लगा, इसका आगे पढ़ दीजिए, आठ पद से 17 तक, जी हाँ, नहीं नहीं हम लोग कहाँ पढ़ गए थे, 9 पे आए थे, 10 से, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वो अपने स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होगी और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहराता था और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। लोग परमेश्वर का घर बनाने की सोचते हैं और परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा कह रहा जाकर उससे कह दो कि परमेश्वर तुम्हारा घर बनाए रखेगा, तुम उसके लिए घर बनाने की मत सोचो। उल्टी थॉट है कि नहीं? आज भी लोग मंदिर 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 मंदिर, अरे तुम उसके लिए क्या घर बनाओगे? वो तुम्हारा घर बनाए रखेगा, यही बड़ी बात है। तो परमेश्वर की बात सुनेंगे तभी तो ये थॉट आएगा। सब अपने अपने थॉट में है। अब देखिए इसके बाद इसने क्या किया, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा
सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। ये यीशु मसीह के विषय में बोला जा रहा है एक्चुअली। यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को जाकर समझाया थे। इसको इसी भविष्यवक्ता को जाकर समझाना पड़ा कि नहीं प्रभु मना कर रहा है। तो भाव जो परमेश्वर का जो नबी होता है ये भावुकता में नहीं बोलता है, बल्कि ये परमेश्वर की आवाज को सुनकर आज्ञाकारी तरीके से सामने रख देता है। हालेलुया। ये बहुत हाई कॉलिंग्स हैं। डिवाइन ऑफिसेस मींस हाई कॉलिंग्स। इनमें रहकर मनमर्जी करना ये गलत है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वहां पे परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य नहीं है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम नहीं करेगी। इसलिए हमको ये अध्ययन से सीखने को मिलता है कि परमेश्वर राजा को भी करेक्ट करने के लिए भविष्यवक्ता का इस्तेमाल करता था, और भविष्यवक्ताओं को शिक्षा देना भी भविष्यवक्ता का काम था, वार्निंग देना भविष्यवक्ता का काम था। यहेजकेल, यर्मिया, यानी यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह के विषय में जिन्होंने प्रचार किया वो भविष्यवक्ता थे, और जिन्होंने लोगों को हार्ड वार्निंग्स दी वो भी भविष्यवक्ता ही थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जो आपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें सही सही सच्चाई सिखाई है। प्रभु ये बातें हम सबके दिलों में और मनों में स्थापित रहें, ताकि हम इन सब बातों के आधार पर पहचानना सीखें और हमारे पास डिसर्नमेंट आए कि हम सही और गलत का अंतर कर सकें, और आपकी आज्ञाकारी बने रहें, आपको समर्पित रहें, ताकि आपकी सुरक्षा में रहकर हम दूसरों को सचेत कर सकें और आपकी महिमा के योग्य जीवन जिए और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।